डियर स्टूडेंट्स दिस इज प्रवीण कुमार अग्रवाल फ्रॉम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट रोटरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी चंदोसी वेलकम ट यू इन टुडेज लेक्चर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांड पोजिशनिंग जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पोजिशनिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्रांड पोजिशनिंग क्या होती है पोजिशन को हमने डिस्कस किया था पोजिशनिंग का मतलब होता है टारगेटेड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के माइंड में अपनी एक स्पेस को क्रिएट करना इस तरह से जिससे कि कंज्यूमर्स कभी भी आपके प्रोडक्ट के बारे में ना भूल पाए तो हम इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को पोजिशनिंग का नाम देते हैं ये तो बात थी केवल एक जनरल टर्म पोजिशनिंग की अब हम बात करते हैं ब्रांड पोजिशनिंग की ब्रांड पोजिशनिंग का मतलब क्या होता है इट रेफर्स टू टारगेट कंज्यूमर्स रीजन टू बाई योर ब्रांड इन प्रेफरेंस टू अदर्स दैट द ब्रांड एक्टिविटी हैज ज कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड इज गाइडेड डायरेक्टेड एंड डिलीवर्ड बाय द ब्रांड्स बेनिफिट्स एंड ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कंज्यूमर क्या मतलब ब्रांड पोजिशनिंग का कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को या आपके ब्रांड को हम या ब्रांड की बात करेंगे कंज्यूमर आपके ब्रांड को ही क्यों परचेज करे इन कंपेनिंग टू अदर ब्रांड्स इन द मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट को प्रूव करने के लिए आप क्या करते हो ब्रांड पोजिशन को फोकस करते हो आप एनसीओ करते हो कि ब्रांड पोजिशन में आप जितनी भी एक्टिविटीज को फोकस करो उसका कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो ब्रांड के बेनिफिट को गाइड गाइडेंस प्रोवाइड करे डायरेक्शन प्रोवाइड करे और डिलीवर करे टू द टारगेटेड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स इसके साथ साथ कंज्यूमर्स से हर पॉइंट हर पॉइंट पर वो प्रॉपर वे में कॉन्टैक्ट करना चाहती है जिससे कि कंज्यूमर्स उसके पोजिशनिंग स्ट्रेटजी से कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो जाए और उसके लॉयल कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाए ओके okay, अब बात आती है ब्रांड पोजीशनिंग और प्रोडक्ट पोजीशनिंग की मैं बार बार ब्रांड पोजीशनिंग का नाम ले रहा हूं यहां पर एक कौन सा प्रोडक्ट पोजीशनिंग का भी होता है तो प्रोडक्ट पोजीशनिंग और ब्रांड पोजीशनिंग में क्या डिफरेंस है जनरली मार्केटर्स दोनों ही टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं लेकिन टेक्निकल वे में दोनों में एक डिफरेंस है क्या डिफरेंस है प्रोडक्ट पोजिशनिंग डिनोट द स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी ऑब्लिक प्रोडक्ट क्लास इन विच द गिविन प्रोडक्ट इज ऑप्टिंग टू कॉम्पीट प्रोडक्ट पोजिशनिंग का मतलब होता है जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी में या प्रोडक्ट क्लास में आप डील कर रहे हो या कॉम्पीट करने जा रहे हो उस पर्टिकुलर पोजिशनिंग को हम प्रोडक्ट पोजिशनिंग का नाम देते हैं जबकि ब्रांड पोजिशन का मतलब क्या होता है इट डिनोट्स द द द द ऑफ ब्रांड ब्रांड्स इन इन चूज प्रोडक्ट कैटेगरी जिस प्रोडक्ट कैटेगरी को आपने सेलेक्ट किया है उसमें अदर ब्रांड्स के साथ में अपनी ब्रांड की आप जो पोजिशनिंग को डिनोट करते हो उसे हम ब्रांड पोजिशनिंग का नाम देते हैं पॉइंट इज क्लियर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोप की बात करूं तो लक्स सोप का प्रोडक्ट क्या है सोप तो जो प्रोडक्ट कैटेगरी है वो है सोप कैटेगरी है और जो ब्रांड कैटेगरी है वो है उसका पर्टिकुलर नेम दैट इज लक्स अगर वो लक्स को फॉलो करते हुए पोजीशनिंग को फोकस कर रही है तब तो ये ब्रांड पोजीशनिंग कहलाएगा लेकिन अगर वो सोप कैटेगरी को फोकस करते हुए पोजिशन को फोकस पोजीशन को फॉलो कर रही है तो हम उसको प्रोडक्ट पोजिशन का नाम देंगे सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट पोजीशनिंग एंड ब्रांड पोजीशनिंग अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं ब्रांड पोजिशनिंग के जैसे लक्स सोप की बात करते हैं तो इसने अपने आप को पोजिशन किया है एज अ ब्यूटी सोप आपने डिफरेंट एक्ट्रेस देखी होंगी इसके अंदर ना जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करती रही है टाइम टू टाइम उनका मेन पर्पज़ क्या होता है इसको एक ब्यूटी सोप के तौर पर पोजिशनिंग प्रोवाइड करना ऐसे ही अगर मैं इसकी कैटेगरी में डिटॉल की बात करूंगा तो डिटॉल का मेन जो पोजिशनिंग है वो एक जर्म प्रोटेक्टिव सोप के तौर पर है क्लियर ऐसी बात करते हैं कॉलगेट की कॉलगेट ने अपने आप को पोजिशन किया है एज अ प्रोडक्शन अगेंस्ट द माउस जम्स जबकि जो क्लोज अप है उसकी पोजिशनिंग थीम है माउथ फ्रेशनर कि अगर आपको अपने माउथ को फ्रेशनिंग प्रोवाइड करनी हो तो उसके लिए आप कॉलगेट को यूज कर सकते हो सो दिस इज अबाउट द ब्रांड पोजिशनिंग कॉन्सेप्ट नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कैटिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड पोजिशनिंग स्ट्रेटजी अगर ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर ब्रांड पोजिशनिंग स्ट्रेटजी को फोकस करना चाहती है तो उसे कुछ पर्टिकुलर फीचर्स को फोकस करना होता है सबसे so, पहला इट मस्ट बी रेलिवेंट रेलिवेंट मतलब इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ द कंज्यूमर्स इन द मार्केट और कंज्यूमर्स को यह लगना चाहिए कि जो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी फॉलो की जा रही है वो उनको जस्टिफाई कर रही है तब तो हम उसे रेलिवेंट कहेंगे ओके रेलीवेंसी के बाद नेक्स्ट वन इज क्लियर जो मैसेज आप अपनी पोजिशनिंग स्ट्रेटजी में प्रोवाइड करना चाहते हो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दैट मस्ट मस्ट बी बी वेरी क्लियर नो अगर कंफ्यूजन होगा तो जो पोजिशनिंग आप चाहते हैं वो ना होकर किसी और वे में पोजिशनिंग फोकस हो जाएगी ओके नेक्स्ट वन इज यूनिक योर यूनिकोजिशनिंग स्ट्रेटजी मस्ट बी यूनिक इन कंपेरिजन ऑफ ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स आप अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर से अलग वे में पोजिशनिंग तब प्रोवाइड कर सकते हो जब आप अपनी पोजिशनिंग को यूनिकनेस के साथ में प्रेजेंट करोगे अगर उन्हीं के पाथ को फोकस करते हुए यानी कि कॉम्पिटिटर्स के पाथ को फॉलो करते हुए अगर आप पोजिशनिंग स्ट्रेटजी डेवलप करोगे तो वो यूनिकनेस नहीं है यूनिकनेस का मतलब कुछ हटके होना चाहिए आपकी स्ट्रेटजी में जिससे कंज्यूमर्स ज्यादा से ज्यादा इंप्रेस हो आपसे नेक्स्ट वन इज डिजायरेबल डिजायरेबल मीन्स इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द डिजायर ऑफ द कंज्यूमर्स जैसा कंज्यूमर्स चाहते हैं उसी को फोकस करते हुए आपको अपनी पोजिशनिंग कंप्लीट करनी है डिलीवरेबल पोजिशनिंग स्ट्रेटजी इस तरह से डेवलप होनी चाहिए जिससे कि प्रॉपरली आप कंज्यूमर्स तक इसको डिलीवर कर सको। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस यानी कि आपके और आपके कॉम्पिटिटर्स की पोजिशनिंग स्ट्रेटजी में कुछ ऐसे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस होने चाहिए जिसके बेसिस पर कंज्यूमर्स ज्यादा इंप्रेशन आपके स्ट्रेटजी से फोकस कर सके रिकोगनाइजेबल फीचर्स जो फीचर आप अपने पोजिशनिंग स्ट्रेटजी में फोकस करना चाहते हो वो फीचर रिकोग्नाइज होना चाहिए ऐसा नहीं हो कि आप पोजिशनिंग कर रहे हो किसी और भी में और पता चला कि वो फीचर आपके प्रोडक्ट में अवेलेबल है ही नहीं तो आपको उसी पर्टिकुलर फीचर को पोजिशनिंग प्रोवाइड करनी है या उसी फीचर के बेसिस पर ब्रांड पोजिशनिंग को फोकस करना है जिसको प्रॉपरली कंज्यूमर्स रिकोगनाइज कर सके दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वैलिडेटेड बाय द कंज्यूमर्स यानी कि कंज्यूमर्स की उस पर एक पक्की मोहर होनी चाहिए हां भाई हम ब्रांड की पोजिशनिंग से सेटिस्फाइड है और ये पोजिशनिंग जो स्ट्रेटजी है वो हमारी नीड से कंप्लीटली मैच कर रही है अगर वैलिडेटेड है कंज्यूमर से तब तो आप सक्सेसफुली ऑपरेट कर पाओगे अदरवाइज यू विल गेट अ फेलियर तो इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए एक बेटर ब्रांड पोजिशनिंग स्ट्रेटजी डेवलप की जा सकती है ओके नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इश्यूज इन ब्रांड पोजिशनिंग और हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोजिशनिंग स्ट्रेटजी यानी कि एक ब्रांड पोजिशनिंग में हमें किन किन पर्टिकुलर इश्यूज को फोकस करना होता है या अगर हमें स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोजिशनिंग को स्ट्रेटजी को फॉलो करना है तो उसके लिए हमें किन पर्टिकुलर पॉइंट्स को कंसीडर करना होता है कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं जिसमें पहला है द फर्स्ट वन इज विच आर द कॉम्पिटिंग ब्रांड्स इन द चूजिंग प्रोडक्ट कैटेगरी सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी में आप ऑपरेट कर रहे हो उस प्रोडक्ट कैटेगरी में और कौन कौन सी कॉम्पिटिव ब्रांड्स हैं उन कॉम्पिटिव ब्रांड्स के साथ साथ आपको यह देखना होता है कि कौन सी ब्रांड है जो लीडिंग पोजिशन पर है यानी कि लीडर ब्रांड को भी आपको चेकआउट करना होता है ठीक है आफ्टर दैट यू मूव टू द सेकेंड द सेकेंड इश्यू इज वॉट आर द यूनिक क्लेम्स ऑब्लिक स्ट्रेंथ ऑफ द वेरियस ब्रांड्स जो भी ब्रांड्स आपने सर्च किए हैं या जिसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है अब आपको यह देखना होता है उसमें कि उनकी अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स क्या है या किस पर्टिकुलर मेन फीचर के बेसिस पर वो ब्रांड्स अपनी पोजिशनिंग स्ट्रेटजी को फोकस कर रही है उन पर्टिकुलर पॉजिटिव पॉइंट्स को उन पर्टिकुलर स्ट्रेंथ्स को यूनिक को आपको आइडेंटिफाई करना होता है इन रिफरेंस ऑफ वेरियस थर्ड इश्यू इज वॉट पोजिशन डू दे एंजॉय एन कंज्यूमर इवेल्यूएशन परसेप्शन। यानी कि कंज्यूमर के एवेल्युएशन और परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो किस पर्टिकुलर पोजिशन को एंजॉय कर रही हैं और उन्होंने कंज्यूमर्स के बीच में अपना एक पर्टिकुलर प्लेस मेंटेन कर रखा है आपको वो परसेप्शन और इवेल्यूएशन भी आइडेंटिफाई करना होता है इसको आइडेंटिफाई करने के बाद द फोर्थ इश्यू इज अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर्स रेटिंग ऑफ द कॉम्पिटिंग ब्रांड्स इज देयर अ वाइड गैप इन एक्सपेक्टेशन परफॉर्मेंस अब आपने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है जैसे कॉम्पिटिंग ब्रांड्स के यूनिक स्ट्रेंथ के बारे में और कंज्यूमर्स का उनके रिगार्डिंग क्या इवेल्यूएशन और परसेप्शन है उसके रिगार्डिंग इन दोनों इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप यह देखते हो कि जो भी कॉम्पिटिंग ब्रांड्स हैं उनके रिलेशन में क्या कोई एक्सपेक्टेशन परफॉर्मेंस के बीच में वाइड गैप है यानी कि जो कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशन हैं और जो डिफरेंट ब्रांड्स की मार्केट में परफॉर्मेंस है आपको इन दोनों के बीच में एक गैप सर्च करना होता है अगर आपको एक गैप इसमें दिखाई दे रहा है तब यह आपके लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है वॉट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट न्यू एट्रीब्यूट्स न्यू फंक्शन विल अट्रैक्ट द कंज्यूमर और जब ये गैप आपको मिल जाता है तब आप ये सोचते हो इसके बाद आप अपनी ये, ये स्ट्रेटजी डेवलप करते हो कि इस पर्टिकुलर गैप को किस टाइप के प्रोडक्ट से या कौन से नए एट्रीब्यूट से या कौन से नए फंक्शन के हेल्प से भरा जा सकता है कंप्लीट किया जा सकता है क्योंकि वही क्या बनेगा वही आपकी पोजिशनिंग का एक बेस बनेगा द नेक्स्ट वन इज वट इज द मोस्ट फेवर्ड पोजिशन एंड येट वैकेंट अब आप जब एक बार गैप के गैप को फाइंड आउट कर लेते हो उसके अकॉर्डिंग एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो उसके साथ साथ आप ये देखते हो कि मोस्ट फेवर्ड पोजिशन क्या है कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट फेवर्ड पोजिशन को सर्च आउट किया जाता है जो कि अभी तक फुलफिल नहीं की गई है एक बार आप उस पोजिशन को एंटीफाई कर लेते हो देन यू आर मूविंग टू द लास्ट वन दैट कैन द न्यू ब्रांड क्लेम द नीडेड डिस्टिंक्शन एंड टेक द पोजिशन एंड सैटिस्फाई दैट नीड अब आप ये देखते हो कि जो पर्टिकुलर नई ब्रांड आप मार्केट में फॉलो करना चाहते हो क्या वो उस नीडेड डिस्टिंक्शन को कंप्लीट कर सकती है और एक नई पोजीशन ले सकती है कंज्यूमर्स की उस ट नीड को सेटिस्फाई करने में आपको ये भी फाइंड आउट करना होता है और इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के बेसिस पर आप क्या कर सकते हो बेटर वे में अपने पर्टिकुलर ब्रांड को प्रॉपर पोजिशनिंग प्रोवाइड कर सकते हो ओके थैंक यू